नमस्कार, अमेज़न प्राइम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कई बार हम भुला जाते हैं। कई बार वो घटनाएं भूलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वक्त के साथ उस पर रेत गिरती चली जाती है। लेकिन कुछ घटनाएँ हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो आए दिन घटती चली जाती हैं। उनको भूलना तो दूर, कहीं ना कहीं हम उन घटनाओं के ऐसे शिकार होते हैं कि वो घटना हिंसा में बदल जाती है। आपने कई बार कई महिलाओं को देखा होगा, उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर चोट के निशान होते हैं। आप उनसे पूछेंगे तो यकीन जानिए उनका जवाब सिर्फ एक होगा, बाथरूम में गिर गई, सीढ़ियों से फिसल गई, कुछ लग गया, कुछ भी ऐसा। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ज़्यादातर ये होती है कि वो महिलाएँ कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का शिकार है। तो आज इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मैरियेला ज़ैनुलेट्टी। मैरियेला वैसे तो इटली से हैं, लेकिन अब भारत उनका घर है। वो इंडिया में पिछले कई सालों से रह रही हैं और आपके और हमारे बारे में बखूबी जानती हैं, हमारे समाज के बारे में बखूबी जानती हैं। चलिए, सिस्टमिक साइकोथेरेपिस्ट है मैरियेला, स्वागत करते हैं मैरियेला का आज हमारे शो में। सो मैरियेला, हाउ आर यू? वेलकम टू द शो। आई एम गुड, आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। And milker acha laga. Oh my God, improving again and again. It's wonderful. हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। घरेलू हिंसा, domestic violence, बहुत से लोग ऐसे हैं भारत में, बहुत सी families ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सी महिलाएं domestic violence का शिकार हैं, यानी घरेलू हिंसा का शिकार हैं। तो सबसे पहले वी वॉन्ट टू नो वॉट इज डोमेस्टिक वायलेंस। यस, डोमेस्टिक वायलेंस इज द पावर मिस यूज बाई वन अडल्ट विद अनदर अडल्ट एंड इट्स अबाउट कंट्रोल एंड फियर। ओके, सो यूजिंग वायलेंस सो दैट यू कैन कंट्रोल द अदर पर्सन। सो वी थिंक फिजिकल असॉल्ट इज ओनली घरेलू हिंसा और डोमेस्टिक वायलेंस। व्हाट डू यू थिंक? Yes, I mean, it's not just what I think, actually. There are many studies showing the consequences of emotional abuse, psychological abuse. So this all goes under the umbrella of domestic violence. Also the financial abuse, you know, your spouse cannot have access to to money or independence in terms of freedom to go and meet the other family members, the limitation in the physical movement, you know, outside the house is also considered domestic violence because it has done to control. So when you try to control somebody, that is going to have some effect on their emotional life, the psychological aspect of it. हम अभी तक वाकई यकीन जानिए सिर्फ यही हम सोचते थे कि घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ यही होता है कि हमने किसी को फिजिकली असॉल्ट कर दिया, थप्पड़ मार दिया, धक्का दे दिया, पिटाई कर दी। लेकिन वाकई आज मैरियेला से ये सुनकर हमें बहुत आश्चर्य भी हुआ, अजीब भी लगा, शॉक भी लगा कि सिर्फ जो फिजिकल असॉल्ट है या जो शारीरिक तौर पर जो आपको हिंसा की जाती है वो घरेलू हिंसा में सिर्फ कंसिडर नहीं होती है, उसके अलावा मानसिक तनाव भी उसी में शामिल होता है। अगर आपको कुछ करने की इजाज़त आपके उसमें फैमिली में या घर पर नहीं है, ये भी एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट किया जाता है। ओके मैरियेला, हियर इज अ क्वेश्चन। इन इंडिया वी सी अ लॉट्स ऑफ cases of domestic violence. So we should come to know what is the situation of domestic violence in India. So I have access to a lot of information in terms of my clients, what they share with me, but of course also in the news we all see there are lots of research. And this is a bit shocking because if you think that 50-70% of women in India are have been exposed to some sorts of domestic violence, maybe not only physical or not physical at all, but the other kinds of abuse we mentioned before. And in India also the fact that sometimes the abuse is the abuser is not just the husband but also other members of the family. And not only, only 2% of the victim approach police. So Mariela, आपके answer के बाद मैं वाकई अपने दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि you said absolutely correct. बहुत सारी महिलाएं हमारे यहाँ ये सोचती हैं it is okay,
वो अपनी सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं. और बहुत सारे पुरुष ये मानते हैं, बहुत सारे मेल ये मानते हैं कि इट्स ओके, हम अपनी जो बीवियां हैं या जो हमारे जो पार्टनर्स हैं उन पर अगर हम अत्याचार कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो वो उनकी पावर है ऐसा करना. और महिलाओं का ये धर्म है उसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, जो कि बिल्कुल सही नहीं है. हम सिर्फ महिलाओं को हमेशा कहते हैं कि फीमेल्स आर दे आर विक्टिम्स और दे आर आई मीन सब कुछ सह रही हैं. बट एग्जैक्टली वी वॉन्ट टू नो हु आर द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. यस, एज वी सेड मेनली वुमेन. एंड यस, एंड द रीजन इज बिकॉज वुमेन आर कंसीडर्ड वीकर, वीक एंड मे बी मोर वल्नरेबल. We also need to keep in mind the culture, you yes. know, some culture, and you are an expert here, huh? Yeah, in India, yeah. Pati Parmeshwar, husband is God. Yeah. You know? Yes. Yes. And yeah, maybe he is a God, but maybe he should be a good God, huh? Yeah. Exactly. And of course, there are some norms in the culture, and if we, or some beliefs. So, if you don't challenge the beliefs, of course, the violence is perpetuated, and the situation when it comes of economic independence. Of course, if a woman is abused and she doesn't have any place where to go or no money, that she cannot do much. And also the shame and guilt, because if the woman is the one who should make the marriage work, then how do you leave the marriage, or how do you condemn, or how do you go to the police? It's your duty to make the marriage successful. The parents of the victim, sometimes they say, yeah, go back and deal with the situation. It's not, you need to, how do you say, adjust. I hear very often the adjust bit. And I'm sure that maybe lots of people who are watching this now, they will, and they still believe that this is the way. Sometimes if somebody doesn't do what, you know, is the person, is the wife, the spouse, doesn't listen or obey, what's wrong in using some violence? Huh? She will learn, we need to teach her. And I think there is then perpetuating a culture where female don't have the same rights, or there is inequality. Mm-hmm. And of course, we're talking now about domestic violence, but then it's gonna be, yes. you know, a much bigger problem, because it is like inviting in mental health problems, your children being exposed to violence in the house, and then what they're gonna do when they're adults themselves. So it's a huge issue that it doesn't stop with the victim. It goes in the all the society in different ways and creates many other problems. The interesting bit is not just having different nature, but the fact that there is a choice. So the person chooses what to show inside and outside the house. That means that they can do something about it, but they might don't want, maybe. नो सीरियसली देखिए, हम लोग सिर्फ बात करके यहाँ कोशिश ये कर सकते हैं. पहली बात तो हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि इस तरह का सिचुएशन, इस तरह की चीज़ें कभी किसी के साथ ना हो. लेकिन अगर आप इन चीज़ों का शिकार हैं, चाहे आप महिला हो या आप पुरुष हो, तो ये चिंता का विषय है. आज ही इसके बारे में सोचिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सी ऐसी कड़ी है जो आपके रिश्तों को कमज़ोर कर रही है. चाहे वो आपका गुस्सा हो, चाहे वो आपका अब्यूसिव नेचर हो, चाहे वो आपके फैमिली का भड़काऊ बर्ताव हो. समाज में रहना है, परिवार में रहना है, तो प्यार से रहना है, इसके साथ डील करना सीखिए. और सिर्फ यही एक चीज़ है जो आपके रिश्तों को मधुर कर सकती है. मेरियला, व्हेन वी आर इन अ फैमिली एंड देर इज अ डोमेस्टिक वायलेंस इन द फैमिली, सो हाउ देर इज अ इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन चिल्ड्रन? यस, हाउ डज इट कम अप? It's interesting that you're mentioning this, because if I think of my clients, when I ask them about,
you know, family history or what used to happen in their family, lots of them has been witnessing domestic violence. And this is to say that lots of people who have been witnessing, who have been, you know, in families where there were domestic violence, then they develop mental health issues like anxiety and depression. Mm-hmm. If you live in the house and your father, unfortunately, lots of people drinking or using drugs, or they are more prone to domestic violence. So you are at home and your father comes home and you don't know in which mood he's going to be. You don't know, is he going to explode, or do I have to protect mom, or shall we go in our room and lock ourselves in? So can you imagine the tension, the anxiety that you cannot be relaxed in your own house? And this is, as I said, can lead to mental health, but also to physical. Can you imagine physical problems? How? Like diabetes, like obesity, like people having then a bad relationship with food. And it's not just the mental health. It's of course mental health, physical health, but also having problem at school. You know, if the child is not in a good place, worried about mom being home with an abusive father, of course, it cannot be, concentrate on focus. On study. Well, Mariela, thank you so much. Thank you. You came to the studio and you just been a part of this conversation. It's seriously wonderful to talk to you because it makes us strong. Mm. Seriously, when you talk to us, because you're a counselor, you know, the beat. When to touch, where to touch, what to say. Thank you so much once again. तो अगले रविवार हम फिर होंगे हाजिर एक नए टॉपिक के साथ, और हमारा ये टॉपिक रहेगा पेरेंटिंग पर आधारित, यानी माता पिता और बच्चों के बीच के रिश्तों को लेकर ये एपिसोड रहेगा. हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अगले रविवार के लिए हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या आपके मन में हमारे पेरेंटिंग वाले टॉपिक या अभिभावक और बच्चों के बीच में जो रिश्ते हैं उनको लेकर कोई सवाल है, तो आप हमें अभी से लेके यानी आने वाले इतवार से पहले तक आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको आने वाले रविवार के अपने एपिसोड में देंगे. और उसके लिए ईमेल आईडी आपको हमारी टीवी स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी, जिस पर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं. तो आज के शो में इतना ही. हमें दीजिए इजाज़त. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो पसंद आता होगा, क्योंकि हम इसमें आपकी ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं. आज के लिए इतना ही. फिर होंगे हाजिर अगले रविवार नए टॉपिक के साथ. नमस्कार.